दुर्गा पूजा करनी है तो 5 लाख रुपए दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वसूली की ये धमकी वाली खबर आई है बांग्लादेश से, जहां हिंदू मंदिरों को दुर्गा पूजा के लिए वसूली की धमकियां मिल रही हैं। बांग्लादेश में हर नया दिन हिंदुओं पर अत्याचार की नई दास्तां लेकर आ रहा है। अब दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए वसूली की तैयारी हो रही है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले इस्लामिक समूहों के जरिए कुछ मंदिरों को धमकियां मिलने की खबर है। मंदिर समितियों को धमकी दी गई है कि अगर उन्हें दुर्गा पूजा मनानी है तो 5 लाख बांग्लादेशी टका देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो पूजा नहीं करने दी जाएगी और घातक परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले 22 सितंबर को लक्ष्मीगंज जिले के रायपुर इलाके में दुर्गा प्रतिमाओं में तोड़फोड़ की खबरें भी आई थी। बरगुना जिले में भी प्रतिमाएं तोड़ी गईं। इस मामले पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने चटगांव और खुलना में जिले के अधिकारियों के सामने शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बता दें कि कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फरमान जारी करते हुए कहा था कि दुर्गा पूजा के दौरान अजान से पहले और नमाज के दौरान कोई भी संगीत न बजाए। सरकार के इस फरमान के बाद कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ा और उन्होंने मंदिरों से वसूली की योजना बना ली। बता दें कि दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। ये बांग्लादेशी हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के महासचिव महेंद्र नाथ का कहना है कि खुलना शहर के डोकाप कस्बे में 25 से ज्यादा मंदिरों को 5 दिवसीय दुर्गा उत्सव मनाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग करते हुए धमकियां मिली हैं, जिसके बाद कई पूजा समितियों ने त्योहार रद्द करने पर विचार किया है। बता दें कि अगस्त में भड़की हिंसा के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले की कई खबरें सामने आई थी। 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने थे। तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहे।